स्लोप वाला रास्ता तो बाइक ऐसे नहीं बाइक पे ये रास्ता पूरा फॉगी है, बाइक में पेट्रोल नहीं लगता, ये बाइक बंद है, अपने आप आराम से चल रही है। हे गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। बाइक चालू कर दी, अब मैं बैठ रही हूँ बाइक पे। जय श्री राम। तो गाइस मैं बाइक पे बैठ गई हूँ, बाइक स्टार्ट हो गई है, रास्ता पूरा फॉगी है, आगे कुछ दिख नहीं रहा है, पता नहीं हम कैसे जाएंगे, डर भी लग रहा है लेकिन जाना तो पड़ेगा घर। तो गाइस जब स्लोप से नीचे जाती है ना बाइक, तो बाइक में पेट्रोल नहीं लगता, ये हमारे लिए सबसे बड़ा बेनिफिट है। ये जो बाइक अभी से ऑन कर रखी है ना, जीरो गियर पे न्यूट्रल में चल रही है, पर ये ऑन भी पता मैंने क्यों की है, क्योंकि आगे लाइट के लिए, क्योंकि मैं बाइक बंद कर दूंगा ना तो उसके बाद आगे लाइट नहीं ऑन नहीं होगी, सिर्फ लाइट के लिए ऑन करनी पड़ेगी। राइट। तो गाइस नहीं तो अगर फॉग नहीं होता ना अभी ये बाइक ऑन ही नहीं होती। राइट। हाँ अगर दिन का टाइम होता और फॉग नहीं होता तो शायद चालू नहीं करनी पड़ती, बट प्लीज डू टेक केयर व्हेन यू आर ऑन स्लोप्स और रास्ते फॉगी से हो, तो बहुत ध्यान से बाइक चलाओ, बिकॉज जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है, देखो खाली आगे गाड़ी की लाइट दिख रही है बस, और कुछ भी नहीं दिख रहा। अक्टूबर भी नहीं आया। हाँ अभी तक तो पता नहीं अक्टूबर में क्या ही हाल होगा, आई डोंट नो। दिसंबर में स्नो फॉल हो जाएगी। राइट। आगे कुछ भी नहीं दिख रहा। हाँ आई होप यू नो द रोड वेर इट शुड बी चेंज्ड, बिकॉज वो वाला रास्ता गिर चुका ना। गाइस ये देखो कुछ भी नहीं दिख रहा है, लिटरली इट्स वेरी स्कैरी। और हाँ यहाँ से राइट है ना आई गेस। नीचे धर्मशाला जाने के लिए यही रोड है ना। धन्यवाद। बहुत धीरे धीरे जा रहे हैं, स्लोप वाला रास्ता तो बाइक ऐसे न्यूट्रल पे चल रही है, दिख ही नहीं रहा है। ये देख। हाँ गाइस तो हम लोग गिरते गिरते बचे क्योंकि आगे का कुछ भी नहीं दिख रहा था। सेंटर में चलना पड़ेगा। हाँ यहाँ पे सेंटर में चलना पड़ेगा, इसकी लाइट मिलेगी हमें। लाइट तो मिलेगी पर मेरे को भी तो रास्ता देखना है, इसी की लाइट के बीच ये गिरेगा मैं भी। ये स्लोप देखे स्लोप पे ना, जब आप उतर रहे हो तो बहुत ध्यान से उतरना है, ब्रेक लगा लगा के, क्योंकि सीधा बाइक ऐसे नीचे जाती है। तो आपको पता चलेगा कि कौन सी रोड कैसी है, ये वीडियो पूरी रोड डालेंगे। हाँ इसमें हम कोई म्यूजिक व्यूजिक कुछ नहीं लगाएंगे। एक्चुअली मैं कभी कभी सोचती हूँ कि आप लोगों को बोर होगा इसीलिए मैं म्यूजिक लगा देती हूँ। नहीं इस बार कोई म्यूजिक नहीं लगेगा, इस बार आप पूरा सब कुछ। इस बार एक्चुअली मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि हाउ स्केयर इट इज एंड हाउ यू पीपल नीड टू टेक केयर व्हाइल इट्स फॉगी एंड व्हाइल यू आर इन व्हाइल यू आर ऑन स्लोप। और राइट साइड तो देख, यहाँ तो नीचे खाई है, चल गया तो गया। हाँ गिरे तो गए समझ लेना। तुम फिर भी अटक जाओगे, बाइक से पहुंचना भी मत कि तुम निकाल पाओगे। बहुत ही ज्यादा वेदर अजीब है, शायद यहाँ पे बारिश जाएगी मेरे को ऐसा लग रहा है, और विंटर्स चालू हो जाएंगे। बाप रे देखिए पूरा फॉगी सा, कैमरा में एक्चुअली इतना नहीं दिखता है बट लिटरली इफ यू आर हियर यू विल रियलाइज हाउ फॉगी इट इज। ये देखिए अब हम आ गए मेन रोड में और बहुत ठंडी हो रखी है। गाइज आज पहली बार मेरे को ठंडी नहीं लग रही है। क्या खा लिया तूने? पता नहीं यार आज मेरे को ठंडी नहीं लग रही है, अदरवाइज आई एम अ पर्सन हु विल फील चिल्ड वेरी इजीली, मतलब कभी भी मेरे को ठंडी लग जाती है। गाइज ये स्लोप देखिए, ये रॉ वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की डिमांड पे डाल रही हूँ। बाइक है ना सिर्फ और सिर्फ लाइट की वजह से चालू है, अदरवाइज इसमें मतलब न्यूट्रल पे चल रही है बाइक मस्त। ब्रेक पे तो हाथ रखना ही पड़ेगा। हाँ बस कल ही ब्रेक पे हाथ रखना आप लोगों को। मेरे को उल्टी उल्टी आने लगी, तो मेरी तबीयत खराब हो रही है, मैं समझ हूँ, लेकिन मैं होने वाला बीमार हूँ। गाइस तो हम लोग अभी पहाड़ से थोड़ा नीचे की तरफ आके अभी धर्मशाला पहुंच गए हैं,
तो गाइस जैसे ही वो मैकलॉयड वंश वाला पहाड़ है ना, वहाँ से आप जैसे ही नीचे उतर जाओगे, फिर आपको उसके 5 मिनट के बाद थोड़ा थोड़ा पेट्रोल लगेगा। पेट्रोल बचत चल रही है फिलहाल, तो अदरवाइज वेदर इज अमेजिंग। बस बारिश अगर लोगों का दिमाग ना खराब करे तो एवरीथिंग इज नाइस एंड बेटर नाउ इन धर्मशाला। ये है धर्मशाला का बस स्टैंड। बस में अगर आप आओगे तो आपको यहीं पे उतरना पड़ेगा। हाँ, पेट्रोल पंप आ गया तो समझ जाना आपका बस स्टैंड आ गया, बस 5 कदम दूर। हाँ, ये पेट्रोल पंप आ गया या KFC पिज्जा जैसी आपको दिखता है तो समझ जाना धर्मशाला आ गया, आपका उतरने का वक्त हो गया। इधर से आपको वोल्वो मिलती है, रिंग बस सब यहाँ पे मिलेगी, ये मॉल के जस्ट सामने। और आज यहाँ से बहुत अच्छा सनसेट व्यू दिख रहा था, लेकिन आज पूरा सोना होगा। बाइक बंद कर देंगे, सिर्फ लाइट के लिए ऑन करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हो। बस गाड़ी अपने आप चलेगी, ये ना न्यूट्रल, न्यूट्रल चल रही है गाड़ी अपने आप। अच्छा, कोई बोलेगा वीडियो एडिट किया है, ये है, तो भाई मैं बंद करके दिखा देता हूँ। बाइक हो गई बंद, लाइट भी हो गई बंद, अभी बाइक अपने आप चल रही है। देख, न्यूट्रल दिख रहा है तुम्हें? अरे देखो सामने, अपने आप चलेगी यार, चलने की जरूरत नहीं है। देख, अपने आप निकल रही है, सिंपल, कुछ करना नहीं। ये देखिए बाइक बंद है, अपने आप आराम से चल रही है, ऐसी चलेगी वो। तो बस मैं लाइट के लिए ऑन करता हूँ, वैसे आप करनी ही पड़ेगी, अगर फिर लाइट आता ना तो लाइट देख लीजिए। ये मेरा फेवरेट वाला स्लोप आ गया, यहाँ से दिन में इतना अच्छा सा व्यू दिख रहा है। चलानी पड़ेगी गियर में, क्योंकि अब जाना है ऊपर। तो गाइस अब हम फिर पहाड़ पे चल रहे हैं, तो रोहित ने फाइनली बाइक स्टार्ट की है। अब जाके इतने किलोमीटर के बाद जाके अब बाइक स्टार्ट हुई है, विदाउट पेट्रोल राइट। तो अभी मैं घर पहुंच गई हूँ, ट्रिप बहुत ही अमेजिंग थी। बस रोहित की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, रोहित को वॉमिटिंग हो रही है और बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। तो अभी हम ये व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, तब तक के लिए प्लीज मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और देखते रहना। बाय।